काइस से कुछ बात करनी है आपको? बता दो। मम्मी से प्यार करते हैं। अब हम कौन है? वेरी गुड। मुंह साफ कर दो, कर दो, जवाब दो ना बाबू। हाँ देखो देखो, चुप हो गया। कहाँ से आई हो तुम? बन गए हैं हीरो। धोबी घाट खुला, धोबी घाट। हरिद्वार जाना है, हरिद्वार। करते 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 करते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है बच्चों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजों के साथ, क्योंकि आज तीनों बच्चे जो एक साथ उठ चुके हैं। और चीकू को जब स्कूल भेजा था ना, तो हमने बच्चों को मालिश वालिश करके सुला दिया था दोबारा। तो अब जो है इनको जल्दी से नहला देते हैं और रेडी कर देते हैं। क्या बात करनी है आपको गाइस से? गाइस से कुछ बात करनी है आपको? बता दो गाइस को, क्या बताना है? मम्मी की शिकायत करनी है? बोलो। नहीं 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 करनी, मम्मी से प्यार करते हैं। आजकल ना जैद ना दो तीन वर्ड्स बोलने लग गए। पहले बोलता था पुम पुम, अब ये बोलता है अब बूम। अब बूम कौन है बाबू? बता दो अब बूम कौन है, आप बताओगे? तू बा कह रही मैं बताती हूँ। बता दो बाबू, अब बता दो अब बूम कौन है। अब बूम कौन है? अब बूम ये कह रही है एक अलग भाषा में। अब बूम ये इसको खुद नहीं पता। जैद एक काम करो, हैंकी को पकड़ो, अपना मुंह साफ करके दिखाओ जैसे करते हो। प्लीज कर दो, प्लीज कर दो, कर दो। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बॉय। अब आपकी दीदी कर लेगी मुंह साफ। तुबा कर दो बेटी, तुबा प्लीज। अच्छा हैंकी पकड़ा देना, मैं हैंकी नहीं पकड़ा बच्चे ने। मुंह साफ कर दो, कर दो, मैं करूँ। वेरी गुड। बोलो पानी गर्म करो फटाफट, इनको नहलाती हूँ वन बाय वन। और ये नहा के दूध पी के सो जाएंगे। सोएंगे बाबू, सोएगी। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो क्या? जवाब दो ना बाबू। तो गाइस वैसे ना ज्यादा इतनी बातें करता है, अभी देखो कैमरा ऑन किया ना मैंने। कर रहा थोड़ी बहुत कर रहा है। क्या बोले? पुम पुम। तो गाइस ये वाला शॉट है ना, मैं चोरी से ले रही हूँ। देखो अगर कैमरा आगे करती हूँ ना चुप हो जाता है। अब देखो 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 इसकी आवाज देखो, जैसे कैमरा आगे आएगा ना लड़का हो जाएगा चुप। हाँ देखो देखो चुप हो गया। तो इसको ना इतनी समझ है ना कि कैमरा जब सामने आता है ना चुप हो जाता है और वैसे बोलता रहता है। तो गाइस यहाँ पे ना टाइम हो गया है बच्चों के विटामिन डी का। तो हम लोग क्या करते हैं, नहाने से पहले बच्चों को देते हैं विटामिन डी और नहाने के बाद देते हैं मल्टी विटामिन, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ ये जो दोनों चीजें है ना एक साल तक ना बच्चों को लेनी है। जैसे मुझे और पायल को आयरन कैल्शियम लेनी है, ऐसे इनको ही लेनी है। जो आपका हो गया है डाई टाइम इज फॉर डाई, 0.6 ml फॉर यू माय बेबी, फॉर यू माय स्वीट बेबी, फॉर यू। ये हो गया। कैसी शक्ल की बना रही बेटी? डॉक्टर ने क्या समझाया था पायल, बता दो कैसे समझाया था? तो गाइस डॉक्टर ने दवाई पिलाने का तरीका समझाया, मैं दिखा देती हूँ। इधर आओ, बच्चे को लो ठीक है, फिर दवाई रख दो कोने पे। आपको खांसी हो रही है ऐसे लो और उनके ना यहाँ पे नीचे यहाँ डालो दवाई, ताकि नीचे चले जाए ड्रैक, मतलब जीप के नीचे। देखो ये दवाई है ना इसके जीप के नीचे, तो ये दवाई बाहर नहीं निकालेगी। तो फर्स्ट टर्न है हमारे जैद की, पहले जैद को नहलाएंगे फिर तूबा को नहलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग बाबू, तूबा को नहीं नहला सकते अभी, क्योंकि तूबा सो रही है। हाँ तो तूबा और आयान, जैद और आयान को नहला देती हूँ पहले। हाँ तो सबसे पहले जैद नहाएगा, फिर नहाएगा कृष्णा। लाओ मेरे बच्चे अच्छे से सर धो दूं मेरे बेटे का, बहुत बड़े बाल है गंदे हो जाते हैं बाल, तो बालों का पूरा अच्छे से ध्यान रखो जी 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 जी। अब लगाओ बॉडी पे थोड़ा सा पानी, आएगी नानी याद, पानी पीते ही आ गई नानी याद। चलो जी। अरे बेटे मेरे नीचे कहाँ जा रहा तू, नीचे कहाँ जा रहा, इतना बड़ा झूला उतर नहाने का, इधर आ। चलो जी बॉडी पे लगाओ साबुन। तो गाइस तीनों बच्चों के कपड़े निकाल दिए, तूबा रानी के कपड़े निकाल दिए, और ये जो ब्लू वाले कपड़े हैं ना, ये वाले कपड़े मैंने इसलिए निकाले क्योंकि ना हमने बच्चों को सिर्फ एक एक बार कपड़े पहनाए, और ये बहुत ही प्यारा स्टफ है, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े हैं। मैं और पायल ने स्पेशली अयान और जैद के लिए लेकर आए थे सेम कपड़े। मैं नहीं चाहती कपड़े ना छोटे हो जाए और ये पहने ना, कम से कम दो तीन बार पहने ना तो ऐसे लगेगा हाँ यार जो पैसे खर्च करे ना वो वसूल हो गए हैं। नेक्स्ट पार्टी, कहाँ से आई हो तुम, कहाँ को जाओगी, इतनी सुंदर बन के नहीं नहीं करी है आज, तो पायल मैंने नाई नाई कलाई आपको, मजा आ गया भाई, कपड़े पहन लो ठंड लग जाएगी। वेलकम वेलकम बैक बेटा, नहाने के लिए आ गए हैं मेरे सुंदरा परा, मेरा सुंदरा परा। वैसे पायल देख टच वुड, मैं ये बात कह रही हूँ, बच्चे ना तेरे से रोते नहीं है नहाते हुए। हाँ नहीं तो मैं देखती हूँ ना बच्चे ना हमेशा रोते हैं, पर तेरे से नहीं रोते, टच वुड नजर ना लगे।
पर बच्चों को नजर ना लगे भाई, लोई लोई कभी ना गले ये सुंदरी मुंदरी बच्चे, सोनी मोनी नोनी पोनी बच्चे मेरे, ये दोस्ती। तो गाइस मैंने बच्चों को नहला दिया, बोलू यहाँ पे धो रही है कपड़े बच्चों के, ये कपड़े बोलू तो यहाँ पे वो कर दे ब्रश मार दे, मैं बाहर जाके बालकनी में इन्हें वॉश करके बाहर सुखा दूंगी। तो यहाँ पे रेडी हो गया मेरा बबुआ बेटा, एक और बबुआ बेटा वो रहा, ये हो गए हैं रेडी, बन गए हैं हीरो। धोबी घाट खुला, धोबी घाट जिसको अपने कपड़े धुलवाने ना बच्चों के, सिर्फ बड़ों के नहीं धोती मैं, भेज देना। तो गाइस हमारे बच्चों के जितने भी कपड़े होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं मशीन में कपड़े नहीं धोते हम ना, सारे कपड़े ना उनके हाथ से धोते हैं। मशीन में क्या धोते हैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने दो तीन बार मशीन लगाई है, तो आप बोलोगे मशीन में धोते हैं, तो मशीन में ना उनके ब्लैंकेट धोते हैं, उनकी जो टॉयलेट शीट्स होती है वो धोते हैं, और उनके जो टॉवल्स होते हैं वो धोते हैं, और बेबी केयर स्टीम करा के हफ्ते में एक बार ना सारे ब्लैंकेट्स ए टू जेड, सारे टॉवल जितनी भी चीजें हैं ना वो सब धो देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैद जो है वो सो चुका है, पर तूबा जो है ना वो सोने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। इस लड़की को मैंने सुलाने की इतनी कोशिश करी है पर ये जो है सोने को बिल्कुल राजी नहीं, हिचकी इतनी ज्यादा आ रही है इसे, बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है मेरी बेटी को, पता नहीं कौन याद कर रहा है मेरी बेटी को। अंजी अंजी विद्या जी कौन लाद कर ला है मेरी जोनी को कौन लाद कर ला है, हाथ छोड़ो नहीं मुझे आपके साथ नहीं जाना, हाथ छोड़ दो मेरा, कहाँ देख रही है, हाँ मेरा हाथ मत पकड़ना, आपकी बार मत पकड़ना, मम्मा आपके साथ नहीं खेली गली गलेगी, जल्दी से जोई जोई कर लो फिर मम्मा बाकी काम करेगी। तो गाइस गोलू तो गई है अपना फोन में जो है डेटा ट्रांसफर करवाने, साथ में अपना टेम्पेट लगवाने और कवर लेने, जैद सो गया है, यहाँ पे तूबा सो नहीं रही है, अयान को मैंने शांति को दे रखा है, अब वो देखो अयान भी नहीं सोया अभी तक। तो लंच में बने हैं आज ड्राई छोले, जो कि रात को भिगो दिए थे छोले, कि सुबह सब लोग ना ड्राई छोले खा लेंगे। वैसे चीकू को छोले पूरी खिलाना था, लेकिन चीकू जो है छोले और रोटी खा के चला गया ट्यूशन, थोड़ी देर में आने वाला है ट्यूशन से, जैसे आएगा उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी और सुला दूंगी, जितनी देर वो सोएगा ना, चारों बच्चे सोएंगे उतनी देर में हम लोग ना पैकिंग कर लेंगे। तो गाइस ये वाले जो कपड़े ना ये बच्चे जाएंगे पहन के जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, हरिद्वार में गंगा जी का स्नान करने जा रहे हैं हम लोग, सावन का महीना चल रहा है, तो फटाफट से बस पैकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मैंने कुछ पजामिया टी शर्ट बेब हैंकी ये सब रख लिया है। यार बेटी आपको चलना है हरिद्वार, जाना है हरिद्वार, हाँ पिछली बार भी नहीं पहनाया था इनको, तो ये पहना के चल लेते हैं, है? ये रख लेते हैं, आते हुए पहन लेंगे, क्योंकि ऐसे कपड़े जो फुल ना सही रहते हैं, तू बताइए कम्फर्टेबल रहेंगे बच्चों के लिए, तो फिर एक काम करते हैं और एसी भी चलेगा ना तो ठंड भी नहीं लगेगी, तो ये कपड़े पहना कर लेके चलते हैं, ये आते हुए पहन लेंगे तीन, ठीक है। फिर से कर रहे हैं हम पैकिंग, और आप सबको पता है पैकिंग में कितना टाइम लगता है, तो हमें टाइम लगने वाला पैकिंग करते 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 करते। अच्छा ये पहले मंगाया होगा तो गलती से चार हो गए, कोई बात नहीं एक एक्स्ट्रा रख दे। तो ना बस पैकिंग कर लेते हैं, पैकिंग करना आसान है, जितना कम लगेज रखेंगे ना उतना सही रहेगा, उतने ज्यादा लोग जा सकेंगे। तू भी ना मेरे साथ रह के मेरी जैसी हो गई है, तूने ये बात बोली कि पैकिंग करना आसान है, जब घर आके जो कपड़ों को वापस रखना ना मुश्किल है, मुश्किल बोलना था आसान बोल दिया। अच्छा तो गाइस यहाँ पे मैंने रख दी है डायपर, स्मॉल रखे हैं अयान और तूबा के, मीडियम रखे हैं जैद की। तो गाइस लास्ट टाइम ना हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ना, तो एक चीज रह गई थी, हमने सोचा था जब भी हम नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे ना इस चीज को याद रखेंगे, कैप, क्योंकि क्या गाड़ी का एसी तेज होता है ना, तो बच्चों को थोड़ी सी निगाह में अच्छी नींद आती है। मैंने यहाँ पे ना तीन कैप्स रख ली है, दोनों भाइयों की कैप्स है और ये है तूबा की कैप, और ना तीनों के लिए ना ब्लू कलर का ना नया सेट निकाल लिया, कम्फर्टेबल था, लास्ट टाइम भी हम लोग ना बच्चों को यही वाले सेट पहना के लेके गए थे, कम्फर्टेबल था, और साथ में सॉक्स पहना देंगे, कैप पहना देंगे, फुल कवर होके बच्चे जाएंगे। तो गाइस हमारी जो पैकिंग है ना वो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट हो गई है डन, 90% जो पैकिंग है डन हो गई है, तो मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ क्योंकि तूबा भी सो रही है, सैद भी सो रही है, और उस साइड ना पायल सुला रही है अयान को, तो इसलिए गाइस थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ। तो गाइस अभी ना चीकू के ना हेडेक हो रहा है और ना साथ में स्टमक एक भी हो रहा है, दोनों चीजें साथ में हो रही है, तो पायल ने बोला कि ना गोलू उसको चाय रस खिला दे, क्या पता ठीक हो जाए, पर चाय पीने के बाद भी ना इसका हेडेक ठीक नहीं हो रहा, तो अब मैंने केमिस्ट से ना दवाई मंगवाई, क्योंकि क्या बच्चों की दवाई हमारे पास नहीं रखी थी, डिस्प्रिन रेसी प्लस रखी थी सब बड़ों की, तो ये बच्चा छोटा है टैबलेट नहीं खा सकता, तो बस अभी मैंने केमिस्ट से दवाई मंगाई है, आते इसको देती हूँ बेटा, जल्दी मंगवाओ, आ रही है। तो गाइस यहाँ पे ना चीकू की दवाई आ गई है, पैरासिटामोल और स्पास आ गई है, तो स्पास जब हमारा भी टमी में पेन होता है ना हम लोग भी स्पास ही खाते हैं, बहुत ही अच्छी दवाई होती है। चीकू 5-5 ml दोनों देनी है, मैं आपको पहले पेट दर्द की पिलाती हूँ, फिर 10 मिनट बाद सर दर्द की, ठीक है? ज्यादा क्या दर्द हो रहा है, सर या पेट? तो पहले सर दर्द की पिलाती हूँ। तो रात के बज गए हैं 9 और मैं सोच रही हूँ कि काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए वर्कआउट कराती हूँ, क्योंकि देखो एवरीडे वर्कआउट का मैंने अपने आप को प्रण दिया हुआ है कि मेरे को जब भी टाइम मिलेगा ना मैं ज्यादा देर नहीं आधा पौना घंटा अपना वर्कआउट करके आऊंगी। कल तो दिन में 2 बार कर लिया था क्योंकि टाइम था, बट आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला, पैकिंग भी करनी थी, बहुत सारी चीजें और भी थी, तो बस एक काम करती हूँ अभी जाकर थोड़ी देर वर्कआउट करके आती हूँ, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वर्कआउट कर रही हूँ। तो बस जिम जाने से पहले मैंने अभी भी जैसे एक बनाना और साथ में पीनट बटर ब्रेड ली है, और जिम से आने के बाद अपनी जो मील है वो खाऊंगी।
करूंगी। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आपको थोड़ा सा मेरा जो वेट है वो लूज लग रहा है कि नहीं लग रहा। और ना आज ना मैंने पूरे दिन ना अपने बाल जो है ना वो खोल कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि ना रोज पोनी कर रही थी ना तो यहाँ से बाल जा रहे थे। काफी दिन से भी मैं बोल रही हूँ कि मेरे बाल जा रहे तो इसलिए मैंने आज अपने बाल ओपन ही रखे हैं। जब वर्कआउट करूंगी ना तो लूज पोनी करूंगी, टाइट पोनी नहीं करूंगी। टाइट पोनी से ना बाल खिंचते हैं मेरे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे चीकू अभी सो रहा है गाइस। चीकू जैसे उठेगा ना फिर शायद हम लोग निकलेंगे। पैकिंग जो है आधी हो गई है, आधी भी पैकिंग करनी बाकी है क्योंकि पैकिंग करते करते ना मुझे बहुत ज्यादा नींद आ गई थी, मैं सो गई थी चीकू के साथ। तो जस्ट अभी उठी हूँ। आधा सामान तो मैंने यहाँ पैक करके रख दिया, आधा सामान और पैक करना है। साथ ही साथ चीकू इंस्टाग्राम पे हो गया वेरीफाइड, ब्लूटिक हो गया है, तो चीकू के लिए केक वगैरह मंगा रखा है। जैसे चीकू उठेगा केक वगैरह कटवाएंगे और बस थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेते हैं। और जैसे हरमान जी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं निकलने के लिए तो निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। और ये वाले वो कपड़े हैं जो आज मैंने हाथ से धोए थे, इतने सारे कपड़े धोए थे और सारे जो है ना मैंने मशीन में ड्रेन करके यहाँ पे सुखा दिए थे, बाहर रखे ही नहीं आज कपड़े। सारे कपड़ों इनमें से जो जरूरत की सामान है जो पैकिंग करना वो मैं निकाल लूंगी, बाकी जो है ऐसे छोड़ जाऊंगी, आने के बाद इनको तवे लगा के रखेंगे। तो आज मैंने ऐसी मालिश की थी बच्चों की और ऐसा उन लोगों को रिलाया था कि बच्चों ने आज अपनी नींद पूरी अच्छे से पूरी करी है। अभी भी बच्चे सो रहे हैं, दोपहर में थोड़े से सोए नहीं थे लेकिन काफी देर से लगातार बच्चे सो रहे हैं, पूरी उनकी बॉडी जो है मैंने रिलैक्स कर दी थी। तो बस मैं अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।